और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हाँ, और अपने इस खास कार्यक्रम में मैं बात करने वाली हूँ भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक को लेकर। अगर वो इस मुद्दे को लेकर इस बार लोकसभा चुनावों में मास्टर स्ट्रोक खेलती है तो निस्संदेह पूरा फायदा मिल सकता है भाजपा को, और भाजपा की सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ, और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। सचिन पायलट जिस तरह से वहां पर जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मुश्किलों का हल निकाल रहे हैं, घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं कहीं ना कहीं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है उनकी लोकसभा चुनाव में उन सभी चीजों को लेकर जाने की, ताकि वो दिखा सकें कि देखिए हमारी सरकार बने हुए जुम्मा भी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन हमने किस तरह से जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया है। बात हो चाहे वहां पर बहुत से अहम मुद्दों को लेकर बात हो, उसमें एक मुद्दा रोजगार को लेकर भी है। रोजगार को लेकर भी सचिन पायलट ने साफ साफ कहा है कि वो उनकी सरकार की प्राथमिकता है, और बहुत जल्द यानी कि बहुत जल्द वो बेरोजगारों को कहीं ना कहीं रोजगार दिलाने के लिए कवायद शुरू करेंगे, उनका कदम आगे बढ़ेगा। अब बीजेपी भी अगर इसी बात को फॉलो कर ले, लेकिन मैं आपको इसी बीच आपको एक जानकारी ये दे दूँ कि बीजेपी ने बहुत बड़ी बातें बोली थी राजस्थान विधानसभा चुनाव में कि भाजपा ने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, जबकि 44 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी थी, ये बीजेपी ने वादा किया था। लेकिन ये बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लॉन्च करते हुए बातें कही थी कि हमने अपने वादे से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी थी, लेकिन साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन अभी शायद वो खाका जो है वो शायद उतना नहीं छू पाया जो कि छूना चाहिए था, यानी कि नौकरी ना के बराबर मिली। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कि युवा पकौड़े तले, हालांकि उनके इस बयान के मायने ये हो सकते हैं कि अगर हम स्वरोजगार पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमें हमारी निर्भरता खुद पर रहेगी, वनस्पति किसी और पर। इसका एक पॉजिटिव एंगल ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि कोई छात्र अगर आईआईटी एमबीए अगर बहुत बड़ी पढ़ाई करेगा, इतने पैसे देकर पढ़ाई करेगा, तो जाहिर सी बात पकौड़ा क्यों तलेगा। इसमें भी सोचने वाली बात ये है। अब ऐसे में नौकरियों को लेकर छात्र बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी का आलम बहुत देश में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में बहुत से लोगों ने एक तेजस्वी और एक उगता हुआ सूरज देखा था कि शायद अब हमारी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन 2014 से 2019 आ गया, लेकिन शायद बेरोजगारी के लिए अभी कोई तकदीर नहीं बदली है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है, और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए बीजेपी को पूरी तरह से तैयार है। देखिए, किसानों का कर्ज माफ किया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इससे सबक लिया, उसने भी कुछ राज्यों में किसानों के कर्ज को माफ करने का फैसला कर लिया। अब ऐसे में रोजगार को लेकर प्राथमिकता दे रहे हैं सचिन पायलट, तो ऐसे में अगर सचिन पायलट के इस कदम से अगर बीजेपी सीख ले और अगर पीएम मोदी खुद सबक ले लें, तो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले दिन सुनहरे हो सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा काम होता है तो सचिन पायलट की वजह से, सचिन पायलट की इन कदमों से सीखकर पीएम मोदी दोबारा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बीजेपी की सरकार सत्ता में दोबारा आ सकती है। और ऐसे में क्या करना होगा, मास्टर स्ट्रोक की मैंने बात की, मास्टर स्ट्रोक यही होगा कि बीजेपी रोजगार को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दे, ये सबसे बड़ा सकारात्मक होगा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मोदी सरकार की तरफ से ऐसा ऐलान हो सकता है, सवर्णों को आरक्षण दे दिया, ओबीसी को लेकर भी बहुत जल्दी दांव खेला जा सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर मोदी सरकार अब वो सब काम करने पे जुट गई है जिससे कहीं ना कहीं जो है इस बार वो जीत सके, यानी कि राजनीति कर रही है अब मोदी सरकार। और ऐसे में अब मोदी सरकार अगर राजनीति कर रही तो बेरोजगारों के लिए भी कुछ सोच ले, अगर बेरोजगारों के लिए सोच लेती तो वो छात्र जो परेशान हैं, जो पढ़ लिख कर बैठे हैं, अभी भी आप देखिए कई ऐसी खबरें आती हैं कि एक छोटे से लेवल के लिए पीएचडी से लेकर एमबीए एमए से लेकर इंजीनियरिंग के छात्र जो है एक छोटे से लेवल के लेवल पे अप्लाई करते हैं, यानी कि वहां पर सफाई कर्मचारी की भर्ती हो या बहुत कम स्तर निम्न स्तर की भर्ती जिसके लिए सिर्फ अनपढ़ लोग काम करते हैं या चौथी पांचवी पास लोग काम करते हैं, उस नौकरी को पाने के लिए पीएचडी एमबीए इंजीनियरिंग और डिप्लोमा मास्टर डिग्री धारक ऐसे ऐसे छात्र अप्लाई कर रहे हैं। सोचिए हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर कितना बुरा होता जा रहा है। तो ऐसे में पीएम मोदी को खुद सोचना चाहिए, बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि अब उसे इन सब कामों पर, इन सभी बातों पर काम करना चाहिए। और हमेशा पीएम मोदी युवा वोट बैंक का जिक्र करते रहे हैं, तो ऐसे में अगर युवा वोट बैंक इस बार छिटका बीजेपी से तो निस्संदेह कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में सकारात्मक यही है कि बीजेपी को फिलहाल रोजगार को लेकर कोई दाव खेलना पड़ेगा, और हो सकता है ये दाव पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनवा दे।
हालांकि वो बन सकते हैं ऐसी पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं, जताई भी जा रही है। लेकिन अगर रोजगारों को लेकर बीजेपी अगर ये काम कर जाती है तो निस्संदेह बीजेपी को सत्ता में आने से कोई भी दल नहीं रोक सकता, चाहे वो ममता बनर्जी महागठबंधन बना रही हो, चाहे सपा बसपा का गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस की अपनी नीतियां हो। लेकिन हाँ, बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है अगर बेरोजगारों को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर दे। सिर्फ ऐलान करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐलान तो 2014 में किया था, आपको करके दिखाना होगा और आप करके दिखाइए। लेकिन करने के लिए समय रहा नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो करके कैसे दिखाएंगे। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी के चाणक के यानी कि अमित शाह ही कोई बड़ा दाव खेल सकते हैं। वो युवाओं को अपनी तरफ, बेरोजगारों को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई बड़ा ऐलान अगर करवाते हैं तो जाहिर सी बात है इससे पूरा फायदा बीजेपी को हो सकता है, और ऐसे में विरोधियों के चारों खाने चित्त भी हो सकते हैं। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी संभव है। तो यानी बेरोजगारों को लेकर अब बीजेपी को काम करना पड़ेगा, तो ऐसे में बीजेपी की शायद कायापलट हो सकती है लोकसभा चुनाव में, वरना प्रदर्शन तो निस्संदेह इस बार बहुत ही अलग होगा 2014 की अपेक्षा। तो सकारात्मक खबर में बस इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।